लोगों ने हुस्न अखलाक के मफहूम को बहुत महदूद और ख़ास कर दिया है और वह इस गलत फहमी का शिकार है कि हुस्न अखलाक का मतलब सिर्फ लोगों से खंदा पेशानी और बशासत के साथ मिलना, मेहरबानी और शफकत का मामला करना, मुस्कुरा कर बात कर लेना और हमदर्दी के अल्फाज कह देना है, जबकि हकीकत यह है कि अखलाक का मफहूम बहुत वसी है और अपने अंदर पूरी इंसानी ज़िंदगी को सिमटते हुए वह सिर्फ मस्कुरा चीज़ों को ही शामिल नहीं है बल्कि इसके बहुत से शोबे हैं। शीरीनी व मीठे बोल, अफू दरगुजर, नरमी, शफ़क़त व मेहरबानी, उनसो मोहब्बत, इकराम और एज़ाज़, हुल्म व बर्दारी, हया व शर्म, वसअत ज़र्फ़ी और सखावत, सिला रहमी व हाजत रवाई, तआवुन व इमदाद, सब्र व शुक्र, मतानत व संजीदगी, अदल व इंसाफ, अमानत व दयानत, माँ बाप, भाई बहन, अजीज़ व अकारिब, बीवी बच्चे, यतीमों, मिस्कीनों, पड़ोसी, मुसलमान और गैर मुस्लिम, हत्ता के जानवरों और परिंदों के साथ भी हुस्न सलूक और हुस्न मामला वगैरह भी, ये तमाम हुस्न अखलाक के शोबे में हैं जिनकी शरीयत मुतहरा में तालीम दी गई है और इन तमाम शोबों में अच्छा रवैया इख्तियार करने वाला ही अच्छे अखलाक का हामिल है और इस अजीम सिफत से मुतअस्सिफ कहलाने का मुस्तहिक होगा। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुम अखलाक के मफहूम में वसअत को बयान करते हुए फरमाते हैं, आजकल हुर्फ आम में अखलाक का मतलब ये समझा जाता है कि आदमी दूसरे से खंदा पेशानी से पेश आए और मुस्कुरा कर इससे मिले और नरमी से बात कर ले, हमदर्दी के अल्फाज इससे कह दे, बस इसको अखलाक समझा जाता है। खूब समझ लीजिए कि शरीयत के नज़र में अखलाक का मफहूम बहुत वसी और आम है। इस मफहूम में बेशक ये बातें भी दाखिल है कि जब इंसान दूसरे से मिले तो खंदा पेशानी से मिले, इजहार मोहब्बत करे और इसके चेहरे पर मुलाकात के वक्त बशासत हो, नरमी के साथ गुफ्तगू करे, लेकिन अखलाक सिर्फ इस अर्ज़ अमल में मुनहसर नहीं है बल्कि अखलाक दरहकीकत दिल के कैफियात का नाम है। दिल में जो जज्बात उठते हैं और जो ख्वाहिशात दिल में पैदा होती है, इनका नाम अखलाक है। फिर अच्छे अखलाक के माने ये है कि इंसान जज्बात में अच्छी और खुशगवार बातें पैदा होती हों, और बुरे अखलाक के माने ये है कि इसके दिल में खराब जज्बात और गलत ख्वाहिशात पैदा होती हूँ। अब तक के लिए इतना ही, मैं दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अपडेट के साथ।